जय मसीह की। दुनिया के सभी मसीह भाई और बहनों को आपका स्वागत है और एक नए चर्च एक्सप्लोरेशन ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ शिलुक ब्लेस एक नए चर्च एक्सप्लोर करने के लिए। वो चर्च है वो शिलुक आदि बप्तिस्ट चर्च। तो चलिए दोस्तों मिलके एक्सप्लोर करते हैं बप्तिस्ट चर्च शिलुक एबीसी आदि बप्तिस्ट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड ऑन 11/4/1991 ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। चर्च वहां पे है। गेट यहाँ में है, देखने को मिलेगा। चर्च उस तरफ है, उसे मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करेगा। तो चलिए, अब मैं गेट के अंदर घुस गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चर्च, ये जो कि आदि बप्तिस्ट काउंसिल से बनाया गया है। आदि बप्तिस्ट काउंसिल जो कि आपका 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको हमेशा मेरे ब्लॉग में ये हम कहता रहा, आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाइए, आपको प्रभु की महिमा के लिए उनके चर्च मिलेंगे। तो आज यहाँ भी आप देख सकते हैं, हम जहाँ पे शिलुक में आए हैं यहाँ के आप चर्च देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एक बार ओवरऑल व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये जगह बहुत ही बढ़िया जगह में है। इस तरफ ये आपका एंट्रेंस वहाँ से हुए थे, वो हाईवे उस तरफ, उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ घर है और यहाँ में चर्च। तो चलिए मैं आपको और नज़दीक जाके दिखाता हूँ। आदि बप्तिस्ट काउंसिल के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया है। टू द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड बप्तिस्ट चर्च शिलुक एबीसी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन डे, दिस मोनोलिथ इज इलेक्टेड एंड डेडिकेटेड टू द लॉर्ड बाय रेवरेंड दाना प्रतिन प्रेसिडेंट एबीसी कम रीजनल सेक्रेटरी एबीबीके ऑन 27 मई 2016। तो चलिए उसके बाद दोस्तों मैं एक बार आपको व्यूअर्स, मैं आप सभी को एक बार इनका टूर कराता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए चर्च ऐसा बड़ी बहुत बढ़िया जगह में इसे बनाया गया है। ये आप देख लीजिए, बहुत ही साफ है। और ये चर्च का बैक साइड है, यहाँ में आपको चर्च का बैक साइड मिलेगा। ये साइड किचन है, यह आपका वो है, कुछ प्रपोज के लिए बनाया है। टॉयलेट यहाँ में है और ये साइड बप्तिस्म के लिए बनाया था, बप्तिस्म टैंक है, अभी फंक्शन नहीं है। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे नल भी है। मैं यहाँ से कुछ चुना चाहूँगा पानी। और ये वाइट साइड है, ये गिर गिर से मैं फिर से लगा देता हूँ। ओके, आप ये देख लीजिए, ये चर्च को साइड भरा करने के लिए बना रहे हैं। ये इस तरफ बाहर का पिलर पूरा उतार चुके हैं। ये देखिए जगह बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। यहाँ में उस तरफ हाईवे है, मैं वो उस तरफ हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ में वो हाईवे है, वो फ्रंट साइड है, ये राइट साइड है। लाइट जला हुआ है वहाँ पे। अब मैं दोस्तों आपको और थोड़ा नजदीक ले जाके दिखाता हूँ। ये है चर्च, ये ताला बंद है, अगर ताला खोलता तो मैं आपको दिखाता। लाइट जल रहा है यहाँ से इस तरफ ऐसे देखने को।
मेले का एंट्रेंस उस तरफ है। मैं आपको एक चंदा मिला हुआ इसके द्वारा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये चर्च का इनसाइड है, ये चर्च का अंदर है, ये चर्च का अंदर का व्यू है, ये अंदर है। मैं एक छोटा सा गद्दा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदर है, देखिए, ये वहाँ पे आपको क्रॉस मिलेगा। इसके साथ यहाँ में चेयर्स थोड़ा देखने को मिलेगा आपको। ये शिलोक बत्तीस चर्च, तो देखिए मैं आपको वाश दिखा रहा था, वो दरवाजे से दिखाने की कोशिश किया। प्राइस द लॉर्ड, अगर प्रभु की इच्छा हो तो एक बार यहाँ पे जरूर चर्च देखने आ जाऊंगा। वो है चर्च, देखिए, तो दोस्तों एंड व्यूवर्स, जय मसीह की सभी को फिर से। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया चर्च लोक है। मौका मिलेगा तो एक दिन सांदे में आके फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चर्च एक्सप्लोरेशन ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, और अगर नए चर्च एक्सप्लोरेशन आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में मैं इस तरह का प्रभु का महिमा के लिए चर्च एक्सप्लोरेशन, प्रेयर सेंटर एक्सप्लोरेशन वीडियो लेके आता हूँ। तो फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।